छिंदवाड़ा वैसे तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, लेकिन छिंदवाड़ा को ज्यादातर लोग कमलनाथ के संसदीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रह चुके हैं। फिलहाल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन प्रदेश में हो रहे सियासी हलचल के बीच अब ये कहना मुश्किल है कि आगे कमलनाथ सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से महज 7 महीने पहले कमलनाथ को कांग्रेस का प्रभार दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को काफी मजबूत समझा जा रहा था, खासकर एमपी जैसे राज्य में संघ की बेस्थिति काफी मजबूत है। लेकिन कमलनाथ ने इन सबसे परे मध्य प्रदेश के मामा कहे जाने वाले शिवराज की हवा निकाली। कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए और खुद मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ को करीब से देखने वालों का कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। कमलनाथ ने ये दिखाया भी। चाहे दिग्विजय सिंह हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों के बीच कमलनाथ ने तालमेल बनाते हुए सरकार चलाई और 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए। हालांकि अब सब कुछ बदल चुका है। सिंधिया बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी सरकार बनाने के लिए और कमलनाथ सरकार बचाने की रणनीति पर अब काम कर रहे हैं। कमलनाथ के व्यक्तित्व के बारे में सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि वे इतने शार्प हैं कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा होता है इसकी भनक वे दाएं हाथ तक को नहीं लगने देते हैं। मौजूदा सियासी संकट में वो कांग्रेस के हाथ को कैसे बचाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए आपको थोड़ा हम उनके राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं कि कमलनाथ कैसे छिंदवाड़ा से निकलकर भोपाल की गद्दी पर आसीन हो गए। 1980 में जब पहली बार कांग्रेस ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया था, तब उनके लिए चुनाव प्रचार करने खुद इंदिरा गांधी आई थी। इंदिरा ने अपने भाषण में कहा था, मैं नहीं चाहती कि आप लोग कांग्रेस नेता कमलनाथ को वोट दीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दें। इंदिरा की इसी बात से कमलनाथ की हैसियत और कांग्रेस में उनकी अहमियत समझी जा सकती है। इंदिरा द्वारा कमलनाथ को बेटा बताने से पहले एक कहानी चल रही थी जिसमें एक और किरदार था। उस किरदार का नाम था संजय गांधी। बस यही समय था जब से कमलनाथ के सीएम बनने तक का सफर शुरू हुआ। 18 नवंबर 1946 को यूपी के कानपुर में जन्मे कमलनाथ ने देहरादून के दून स्कूल के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। वह संजय गांधी के बचपन के दोस्त हैं और दून स्कूल के दौरान क्लासमेट भी रह चुके हैं। दोनों ने साथ में मारुति कार बनाने का सपना देखा था। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता अपनी किताब संजय गांधी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं, यूथ कांग्रेस के दिनों में संजय गांधी ने पश्चिम बंगाल में कमलनाथ को सिद्धार्थ शंकर रे और प्रियरंजन दास मुंशी को टक्कर देने के लिए उतारा था। इतना ही नहीं, जब इमरजेंसी के बाद संजय गांधी गिरफ्तार किए गए तो उनको कोई मुश्किल नहीं हो इसका ख्याल रखने के लिए जज के साथ बदतमीजी करके कमलनाथ तिहाड़ जेल पहुंच गए थे। दोनों के बीच ऐसी दोस्ती थी। इन सब कारणों से कमलनाथ इंदिरा की गुड बुक्स में आ गए थे। इन दोनों की दोस्ती को देखकर तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, इंदिरा के दो दो हाथ संजय और कमलनाथ। सियासत में कमलनाथ हमेशा गांधी परिवार के विश्वस्त बने रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। कपड़ा, वन एवं पर्यावरण, वाणिज्य और उद्योग, परिवहन एवं राजमार्ग और शहरी विकास मंत्रालयों के मंत्री के तौर पर कांग्रेस की सरकारों में काम किया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों में भी उनका नाम आया था, लेकिन इन दंगों के दौरान उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो सकी। इसके अलावा कमलनाथ का नाम बहुचर्चित हवाला कांड में आया था। 2011 में कमलनाथ को सबसे धनी केंद्रीय मंत्री घोषित किया गया था। तब उनकी संपत्ति 2.73 अरब बताई गई थी। 2011 में दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कमलनाथ ने अपना विचार व्यक्त कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। कमलनाथ खुद एक बिजनेस टाइकून है। उनका कारोबार रियल एस्टेट, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और शिक्षा तक फैला है। देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थान IIT गाजियाबाद के डायरेक्टर सहित करीब 23 कंपनियों के बोर्ड में कमलनाथ शामिल है। ये कारोबार उनके दो बेटे नकुलनाथ और बकुलनाथ संभालते हैं। 1984 का सिख दंगा और 1996 का हवाला कांड को छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ का अब तक का राजनीतिक करियर बेदाग रहा है।
कमलनाथ कांग्रेस में मौजूदा पीढ़ी के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने गांधी परिवार की तीन पीढ़ियों इंदिरा गांधी, राजीव, सोनिया और राहुल गांधी के साथ काम किया है। इसलिए गांधी परिवार के लिए कमलनाथ आज भी प्रिय हैं। मुझे राज्यपाल जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उन्हें मिलने आया। उन्होंने मेरे से चर्चा करी है कि किस प्रकार से विधानसभा शांतिपूर्वक चले। मैंने उन्हें कहा है कि मैं स्पीकर से कल सुबह चर्चा करके बातचीत करके हमारा भी लक्ष्य है कि विधानसभा शांतिपूर्वक चले, इस पर चर्चा हुई है। देखिए ये स्पीकर तय करेगा, जो काम स्पीकर का है स्पीकर करेगा, जो काम मेरा है मैं करूँगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहीं ज्यादा कमलनाथ राजनीति में काफी दिनों से हैं। वे राजनीति भी जानते हैं और व्यवसाय भी। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार से मुकाबले में उन्होंने कैसे इंदिरा गांधी की मदद की थी, यह आज भी कांग्रेस को याद है।